हाय एवरीवन, वेलकम टू प्राचीन भारत। प्राचीन भारत मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज ये एक ऐसा चैनल है जो चैनल नहीं है, इट्स अ कॉज आई बिलीव इन। एक ऐसा कॉज जहां पर मैं आपको इंडिया की हिस्ट्री रीराइट करके, रीटेल करके बताना चाहती हूँ। सही चीज़ें अगर इस देश के बच्चों को नहीं पता होंगी तो इस देश के बच्चे अपने देश पर प्राउड फील नहीं करेंगे, एंड दे विल नॉट नो अबाउट आर कल्चर, अबाउट आर लेगेसी एंड अबाउट आर संस्कृति। बात करते हैं आज सेंगोल की। पार्लियामेंट में सेंगोल को जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर महोदय और द पर्सन हुज द स्पीकर ऑफ द हाउस, उनके साथ में इस्टैब्लिश किया जाएगा। क्या है ये सेंगोल, क्या है इसकी कहानी और क्यों अभी सेंगोल इतना न्यूज़ में है? पॉइंट नंबर वन, जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उसको 1927 में लॉर्ड इरविन, जो उनको कहा जाता है, आई डोंट बिलीव विद दोस टाइटल्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हम पे 300 साल तक राज किया, बट इरविन ने 1927 में हमें पार्लियामेंट बिल्डिंग गिफ्ट की इंडियंस को, क्योंकि अभी तक हम अंडर द ब्रिटिश रूल थे। उस बिल्डिंग में हमारे कल्चर, हमारी परंपरा, हमारे सिविलाइजेशन का कोई भी हाथ नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन, जो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय जनरल थे, अगस्त 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो पावर को हैंड ओवर करेंगे इंडियंस को, उन्होंने नेहरू को जाकर बोला कि आप क्या चाहते हैं, हाउ डू यू वांट अस टू हैंड ओवर द पावर टू यू। नेहरू अपने काफ़ी क्लोज कॉन्फिडेंट सी राजगोपालचारी के पास गए। सी राजगोपालचारी के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। सी राजगोपालचारी एक वैष्णवाइट थे। व्हाट डू यू मीन बाय वैष्णवाइट? दैट मीन्स ही वाज अ विष्णु बिलीवर। पर उन्होंने एक सेंगोल डिज़ाइन करवाया जो चोला एम्पायर है, जो तमिलनाडु में एक बहुत ज़्यादा सालों तक रूल करने वाली ऑथेंटिक भारतीय एम्पायर है, द चोलास। उनके पास जब पावर ट्रांसफ़र होती थी, एक किंग से दूसरे किंग को पावर ट्रांसफ़र होती थी, वो किंग ताकि जस्ट हो, काइंड हो और बहुत अच्छी तरह से लोगों के लिए रूल करे, तो सेंगोल का ट्रांसफ़र किया जाता था, विच वॉज सपोज टू बी द लेजिटिमेट और द वे दैट मे गॉड बी विद दिस किंग, सो दैट द किंग कैन सर्व द पीपल। एक सेंगोल दिया जाता था, सेंगोल के ऊपर इस्टैब्लिश किया गया था नंदी को। नंदी इज बुल, विच इज सपोज टू बी द वाहन ऑफ लॉर्ड शिवा। नंदी स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड ट्रूथ। सो राजगोपालचारी, हु वाज अ वैष्णवाइट, दैट मीन्स ही वाज अ विष्णु बिलीवर, वो एक शिव टेम्पल के पास गए, एक ऐसी ट्रस्ट के पास गए जो शैवाइट थी, और फिर उन्होंने सेंगोल का डिज़ाइन किया। सो इन अ वे इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल अमालगमेशन ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म, ऑफ नॉर्थ साउथ, and it beautifully tells that how the entire India came together to witness the transfer of power from the Britishers to native Indians. But is monumental Sengol ko chupa diya gaya aur Nehru ki golden walking stick kehkar ek museum mein dal diya gaya aur famous hua raat ke 12 baje art twist with destiny. So what I want to tell you through this is that I think it is a monumental step by the present government, number one, to give us a parliament house. Ek aisa parliament jo it is enviable, duniya ke kisi desh mein itna behtareen digital, fast forward 21st century ka technology se enabled parliament nahi hai. ये हमें किसी कॉलोनियल पावर ने, किसी ब्रिटिश एम्पायर ने गिफ्ट में नहीं दिया है। ये एक ऐसी पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो आपने और मैंने मेहनत की कमाई से, टैक्स भर के इस देश ने अपने लिए बनाया है। इफ़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इफ़ वन ऑफ द वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड अपनी खुद की पार्लियामेंट नहीं बना सकती, तो सोचिए आज तक कितनी तौहीन की बात थी हम सब के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, tech-enabled, a super hi-fi parliament gets a symbol of India's rich legacy of hundreds and thousands of years. It gets a Sengol which was given in the Chola Empire of South India, one of the oldest indigenous empires of India. And I think as a teacher, as a student, all of us should wholeheartedly support this. आप इसके बारे में क्या सोचते हो? आपको इस चैनल पे और कैसे वीडियोस चाहिए? हमारे आर्ट कल्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है? किन हमारी लैंग्वेजेस, ईटिंग हैबिट्स, परंपराएं, सिविलाइजेशन पे मैं कैसे कैसे वीडियोस बनाऊं, मुझे ज़रूर बताइए। टेक केयर, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।